और तीसरा है ऑप्टिमम कैपिटल बजट। इसका मतलब होता है कि आपको कितने रुपए मार्केट से उठाने चाहिए, कितने रुपए मार्केट में लगाने चाहिए। जो आपका बजटेड अमाउंट होगा ना, उतना ही पैसा आपका कैपिटल में होना चाहिए और उतना ही पैसा आप टोटल इन्वेस्ट भी करेंगे। देखो, पैसा उठा करके कहीं लगाते भी हैं, नहीं तो बिजनेस कैसे करोगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ऑप्टिमल कैपिटल बजट की बात कर रहे हो, तो ये वो पैसे की रकम है जितना आप कैपिटल के तौर पे उठाए भी हो और वापस इन्वेस्ट भी किए। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। चलो एक डायग्राम देखो आप। डायग्राम क्या चीज का है ये, मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीख रहे हो, सौरव आप भी। नीचे में डायग्राम में है डॉलर, क्या है? जितना पैसा उठाओगे या जितना पैसा लगाओगे, ये यहां कैलकुलेशन हो रहा है। मैं यहां पे फाइनेंसिंग भी लिख रहा हूं और इन्वेस्टिंग भी लिख रहा हूं। क्लियर है क्या? मतलब उठाना और इन्वेस्ट करना दोनों चीजें यही रिकॉर्ड हो रहा है। यहां पे मैं आईआरआर भी रिकॉर्ड करूंगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिकॉर्ड करूंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं? वैक बोलते हैं ना। क्लियर है? सबसे पहले मैं जो कर्व बनाने जा रहा हूं वो कर्व है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कौन सा कर्व है? आपको पता है पैसे अगर आप फाइनेंस करवाओगे, मतलब लोगों से उधार लोगे, तो हर बार एक्स्ट्रा पैसा लेने पे उसका कैपिटल का वैल्यू क्या होगा, कॉस्ट क्या लगेगा? ज्यादा ज्यादा ज्यादा। सपोज करो आप इतना उठाए तो इतना रेट लगा, इतना उठाओगे तो और ज्यादा लगेगा, इतना उठाओगे तो और ज्यादा लगेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये लाइन कुछ इस तरह बनेगा। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व। क्या बोलते हैं? क्लियर है? दूसरी बात, आप मुझे ये बात बताओ कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप सबसे पहले किस में पैसा लगाओगे, जहां पे सबसे ज्यादा कमाई है कि जहां सबसे कम कमाई है? तो सबसे पहले पैसा किस में लगाओगे जिसमें कमाई ज्यादा है। तो सपोज करो आपने इतना पैसा लगाया उसमें आपको कमाई इतनी मिल रही थी, इतना पैसा लगाया उसमें आपको कमाई इतनी मिल रही है, और फिर और थोड़ा पैसा लगाया इसमें कमाई कितनी मिल रही है। तो ये जो कर्व नीचे आ रहा है ना ऐसे, क्लियर है क्या? ये डाउनवर्ड आएगा क्योंकि आप हमेशा क्या लेते हो, पहले सबसे ऊंचा फिर नीचे नीचे नीचे। तो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, इस कर्व का अपना नाम हो गया। ये देखो आपको दिख रहा होगा नाम, अपॉर्चुनिटी शेड्यूल। क्लियर है क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको स्टॉप कहां कर जाना चाहिए, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना ही पैसा मार्केट से उठाना चाहिए। इक्विलिब्रियम हमेशा बीच में ही आता है। क्लियर? ये सपोज यहीं पे आ रहा लाइन, टेढ़ा मेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल कैपिटल बजट। क्या बोलते हैं? अब समझिए क्यों, अगर आप इतना पैसा उठा रहे हो आपको मजा आ रहा है क्योंकि खर्चा कम लग रहा है और कमाई ज्यादा हो रहा है। यहां पे आए तो दोनों इक्वल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मैं आया उतना थे उतना मैं हो गया। पर इसके ऊपर जाने पे गड़बड़ हो रहा है, यहां पे खर्चा ज्यादा लग गया कमाई, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये सिचुएशन तो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस लाइन के बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, इस लाइन के पहले पहले इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे आपको पता चला आप इसके आगे जाएंगे नहीं, वही आपका क्या हो गया, ऑप्टिमल कैपिटल बजट। समझ में आया क्या? बॉटम लाइन नहीं है ये टॉप लाइन है, ज्यादा से ज्यादा इतना। समझ गए आप? ये हो गया ऑप्टिमल कैपिटल बजट। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, जरा ध्यान दीजिए, मैं ये बोल रहा हूं यहां पे आपको दो कर्व्स दिख रही है। क्लियर है? एक आपको दिख रही है ऊपर चढ़ती हुई कर्व, वो कौन सी है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक आपको आ रही है नीचे जाती हुई कर्व, उसका नाम क्या है? अपॉर्चुनिटी स्केड्यूल। अब सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व क्या है ये समझिए। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व वो कर्व है जो आपको बताती है हर बार जब आप थोड़ा 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 रुपया लोगे
तो वो किस तरह उसका वैल्यू बढ़ेगा। सबसे कम पैसा लोगे तो रेट क्या रहेगी, कम। उसके बाद देखिए यहां पे है, सबसे कम पैसा लिए तो रेट क्या है, कम। उसके बाद जैसे ही पैसा बढ़ाया तो रेट क्या हो गया, ज्यादा। उसके बाद और ज्यादा, ये देखिए कर्व ऐसे गया, क्लियर है। वापस अगर आप अपॉर्चुनिटी स्केड्यूल बनाओगे तो सबसे पहले कहां इन्वेस्टमेंट करोगे, जहां सबसे बढ़िया है, तो वो सबसे बढ़िया देखिए वहां है, क्लियर। फिर वो घटते घटते देखिए नीचे आया, क्योंकि आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहां करोगे, जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का कमाई है, फिर नीचे। दोनों जहां मिला वो पॉइंट बताता है कि भाई इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे लेकिन कमाई घट जाएगी, क्या वो एक्सेप्टेबल है, नहीं। तो यू विल स्टॉप एट दैट पॉइंट, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल कैपिटल बजट।